अच्छे विचार एवं दिल के धनी व्यक्तियों को लोग हमेशा याद करते हैं और कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व था महात्मा मनोज कुमार कमल का। उनके गुजरे कितने दिन हो गए लेकिन आज भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं, जिसके लिए नव निर्माण संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर जहानाबाद कोऑपरेटिव बैंक परिसर में महात्मा मनोज कुमार कमल की पुण्यतिथि एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष पूनम कुमारी एवं संजय कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिक्षाविद डॉक्टर अभिराम सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, शिक्षाविद रंगनाथ शर्मा, ब्रजेश कुमार, अरविंद कुमार आजांस, महेश कुमार मधुकर, विश्वजीत कुमार अलबेला सहित काफी संख्या में बुद्धिजीवी एवं गण्यमान एवं आम लोग मौजूद थे। इस अवसर पर महात्मा मनोज कुमार कमल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि मनोज कुमार कमल एक असाधारण व्यक्ति थे। बहुत बेहतर इंसान के साथ साथ विद्वता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, उन्हें भूलना आसान नहीं है। इस अवसर पर महात्मा मनोज कुमार के छायाचित्र पर आए सभी अतिथियों द्वारा, कलाकारों द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया एवं उन्हें याद किया गया। वहीं इस मौके पर आए सभी पत्रकारों को एवं अतिथियों को अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष पूनम कुमारी ने अपने पिता महात्मा मनोज कुमार कमल को श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं मगही भाषा में कहा कि हमारे पिता मनोज कुमार कमल जिंदा दिल इंसान थे, विद्वान थे और दिल के इतने सरल थे कि उनकी याद बरबस हम लोगों को भावनात्मक कर देता है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आज हमर बाबूजी के पुण्यतिथि मनावल जा रहले है, महात्मा मनोज कुमार कमल जी के। उनका महात्मा की उपाधि उनका मरणोपरांत मिलले है और आज उनका पहला पुण्यतिथि मनावल जा रहले है। ओकरा में हमनी वो एगो संस्था खड़ा करती हल, नव निर्माण संस्थान जेकर वो अध्यक्ष छलथिन, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार आजांस जी, सचिव संजय कुमार शर्मा जी और महिला अध्यक्ष के रूप में पहले से हम हलिए, लेकिन अभी उनका मरणोपरांत हमरा मतलब ही रखल गए है कि न। हालांकि पद के गरिमा रखते हुए काम हम भी कर रही है और अच्छा काम कर रही है, जितना बन पड़ रही उतना बाबूजी के जो नसीहत हले उन नसीहत पर उतरे के कोशिश कर रही है। बहुत लोग के मीडिया के क्षेत्र में जी हमारे भाई बंधु लोग हथी जो लोकल काम कर रहे थी, क्षेत्र में काम कर रहे थे, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे थी ने, उस सब लोग के सम्मानित करल गए हैं। जिकरा में सबसे ज्यादा आज सम्मानित करल गए हैं वो हमारे मीडिया बंधु भाई लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे मनोज कुमार कमल जी के, किस रूप में याद कर वो जिसे वो हमारे पिताजी हल थे। पिता और पुत्री के तो खैर कहानी बहुत ही मार्मिक हो है, उनका बारे में अगर हम जो भी शब्द कहें वो बहुत कम पड़ जाते, लेकिन एक बात हम कहे कि जे क्षेत्र में वो हल थी, जैसे कर्मकांड के क्षेत्र में हल थी, तो कर्मकांड के क्षेत्र में कर्म के साथ में जे कांड जे काम करल जाए वो बहुत अच्छा से बहुत बखूबी से अपन निभल थी। यहाँ तक कि अपन बेटी के कन्यादान और कर्मकांड यानी शादी के दोनों एक साथ उकर बलती है, तो ये निष्ठा उनकर कर्मकांड के प्रति देखल जा सके है, समाज के प्रति देखल जा सके है। समाज में शिक्षा के अभाव जहाँ रह हले वहाँ वो खड़ा रहल थी, तो देखल जाए तो हम सबसे बड़ी सौभाग्यशाली है कि हम उनकर बेटी हैं।